काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की प्राचीन विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों विद्वानों के बीच अकादमिक आदान प्रदान, सेमिनार, चर्चा आदि आयोजित किए जाएंगे, जहां दोनों के बीच संबंधों और साझा मूल्यों को आगे लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका व्यापक उद्देश्य ज्ञान और संस्कृति की हिंदू परंपराओं को करीब लाना, हमारी साझा विरासत की एक समझ विकसित करना और इस क्षेत्र में लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों को मजबूत करना है। तमिलनाडु का और काशी का जो हजारों सालों से जो संबंध है, इस संबंध को समझना, सुदृढ़ करना और ये दोनों में, दोनों के जनजीवन में और साहित्य में, वांग्मय में जो समान भाव है उसको समझना और नजदीक आना, ये इसका उद्देश्य है। तमिलनाडु से आए समूह काशी की ऐतिहासिक महत्ता को समझेंगे। तमिलनाडु की विभिन्न सांस्कृतिक टोली काशी में अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके साथ ही छोटे व्यवसायी काशी में अपने व्यापारिक गतिविधियों को आगे ले जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की समग्र रूपरेखा के साथ आयोजित होने वाले प्राचीन भारत और समकालीन पीढ़ी के बीच एक सेतु का निर्माण करेगा। एक दृष्टि से यह बहुत भाषाओं का एक संगम है, विशेषतः काशी, तमिलनाडु और काशी का संगम है। काशी समागम ज्ञान, संस्कृत और विरासत के हिंदू प्राचीन केंद्रों के बीच की कड़ी को फिर से जोड़ेगा। काशी तमिल संगमम अभियान के विभिन्न पहलुओं, साहित्य, प्राचीन ग्रंथों, दर्शन, आध्यात्मिकता, संगीत, नृत्य, नाटक, योग, आयुर्वेद, हथकरघा, हस्तशिल्प के साथ साथ आधुनिक नवाचार, व्यापारिक आदान प्रदान, एकजुट एवं अगली पीढ़ी की अन्य प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर भी केंद्रित होगा। तमिल अभ्यागतों के लिए काशी तैयार है। तैयार है काशी और मागल्ला, दो संस्कृतियों के संगम के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। आने वाले एक महीने तक लगातार काशी में फिर से एक बार ज्ञान की बात होगी, विज्ञान की बात होगी, नवाचार के नए क्षेत्रों पर शोध होगा और कहीं मध्यम पड़ चुकी उस पुरातन संस्कृत को फिर से काशी की धरती पर उकेरा जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि हमारी पुरातन संस्कृति क्या रही है। अविनाश के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, वाराणसी।